हर दिल को सुनाते हैं फरमान फरमान मोहब्बत का प्यासा है बहुत प्यासा इंसान मोहब्बत का हर दिल को सुनाते हैं फरमान मोहब्बत का। आओ तो सही अंदर। ए बीबी क्या बात है, क्या पूछना? मैंने तुमसे छोटे सरकार के बारे में पूछना है, आओ। छोटे सरकार के बारे में? शमशाद, तुम्हारी छोटे सरकार है ना, मुझे वो अपने बाप जैसे गुस्से वाले लगते हैं। नहीं अमन बीबी, अजहर नवाब और उनके बाबा में बहुत ही फर्क, इन्हों गुलाब तो उन्हों धतूरा। मुझे तो ये सब नवाबजादों जैसे आवारा लगते हैं। तौबा तौबा, क्या बोल रहे हैं आप? उन्हों ऐसा दिखते है नहीं, आपको क्या मालूम बड़े नवाब साहब बड़े सरकार और उनके बच्चे को क्या क्या जुलम करे। उन्हों हुक्म दिए बच्चे से नहीं मिल सकते, कैसे तड़प के रह जाते थे मेरी सरकार। माँ का कलेजा था, बेटे के बगैर कैसे रह सकते थे। मुख्तारुद्दीन अभी तक नहीं आए? सरकार दो मरतबा सलाम के लिए हाजिर हुए थे। उन्हों तो आप बहुत मशरूफ थे सरकार। अब हमें सर को जाना है जी, अब हम उनका ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते जी सरकार, हम चलते हैं। शमशाद भी, शमशाद भी। क्या बात है मुंशी जी? बड़ी सरकार को बोलो नवाब साहब तफरी को चले गए, वही जाके अजहर बाबा को भी बोल लेते। हाँ। सही था, बस अंगारों खाको रहते थे। बड़े सरकार चाहते थे अजहर नवाब किसी अच्छे स्कूल को जाना। अरुद्दीन हुजूर, तुम्हारा भी जवाब नहीं है। हुजूर, हुजूर, कल की बाजी में क्या चाले चल रहे थे हुजूर? बस बिजली लग रही थी, कसम है जाने अजीज की कि बस गोटियों ने साथ नहीं दिया, वरना बाजी में आप ही के हाथ थी। मामा शकुनी भी होते ना तो आपके सामने बाजी में हार जाते। क्या है? सरकार बोले। क्या बोले? बड़े नवाब सब को जाके बोलो अजहर नवाब को देरा सुन के। क्या कहा उसने? वो कौन होती है सब कुछ कहने वाली? ए, जो कुछ होगा यह हमारे हुक्म से होगा, समझी? वो कम्बख्त यहीं रहेगा और यहां से कहीं नहीं जाएगा, यहीं किसी मदरसे में उसे शहीद कराओ, जाओ। उधर बड़े नवाब साहब मरे, इधर इनो अपने कलेजे के टुकड़े को सात समंदर पार पड़ने के वास्ते भेज दिए, लेकिन वापस आकर वो थोड़े ही बदल गए हैं।
भाई नवाबजादों जैसे बिगड़ेल हैं। ये क्या बोल रही हैं आप? एक जमाना उनको मरता मगर उन्हों किसी बच्ची की तरह आंख उठा के देखो तो बोले। पर ये भी तो बुरी बात है कि वो औरत को किसी काबिल ही नहीं समझते। आज सुबह। How are you? जर्मनी जाने के बाद आपने मेरे एक भी खत का जवाब नहीं दिया। भाई हम खुद हाजिर हुए। शुक्र है आप आए तो। याना, एक उम्मीद बन गई। सच? हाँ। कब? बहुत जल्द। याना, मेरे एक दोस्त हैं। डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक सर, इंग्लैंड से आ रहे हैं। और मुझे यकीन है कि वो तुम्हारा इलाज करेंगे। हम अपने पांव पर खड़े ही नहीं होना चाहते अजर नवाब। आप होंगे जरूर न। सरकार, कल सवेरे अपने जंगलों का नीलामी है सरकार। और कल शाम को दावत भी है सरकार। हाँ, अच्छा आपने दावतनामे तो भिजवा दिए? सौंप को भिजवा दिया। रियाज साहब को उनकी साहबजादी भेज दिया सरकार, भेज दिया। अच्छा, और खलीलुद्दीन को सब इत्तला दी थी, सब कुछ इंतजाम करी। मुंशी साहब को बोलकर पूरा सामान दिलाकर खलीलुद्दीन को दे दिया। अल्लू अल्लू सबर कर ले बेटा, अभी पहुंच जाते। ठीक हो? सरकार, वो खलीलुद्दीन बाबरची सुबह से गायब है। पकवान का क्या होएगा? अल्लाह रखो रात को इतने मेहमान आएंगे। उसे तो मालूम है रात में डिनर है, वजह मालूम हुई क्यों नहीं आया? हाँ सरकार, उसकी बीवी की इज्जत की हुई है सरकार। मंगलगट्टी रुकना जरा। बच्चा मर को पैदा हुआ, हालत खराब हो गई थी, धारवाड़ के बड़े अस्पताल घूम ले जाना पड़ा। तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हो सकता है उसे किसी मदद की जरूरत होती। इस वक्त अब्दुल करीम होता तो अच्छा था। सरकार, शमशाद और मैं मिलकर काम निपटा लेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। हाँ सरकार। हम तो भूल ही गए, तुमने होम साइंस का कोर्स किया है, पर आजकल जो कॉलेजों में पढ़ाया जाता है वो क्या रोजमर्रा की जिंदगी में काम भी आता है? मैं पूरी कोशिश करूंगी सरकार। सरकार, सरकार। तो यहाँ पे सीजन कितने कब से कब तक चलता है? 9 महीने का सीजन चलता है। 9 महीने? हाँ। जरा एक्सक्यूज मी। भाई अजन, आप क्या बात है, बड़ी सरकार नजर नहीं आती। जी हाँ, वैसा वही मैं सोच रहा हूँ। आप यहाँ रुके मैं। हाँ हाँ ओहो, जसपाल बहुत दिनों बाद नजर आए। आदाब। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। आप खैरियत से तो हैं रियाज मियां? दुआएं हैं आपकी। आपकी साहबजादी रेहाना नजर नहीं आती। रेहाना? वो क्या वहां बैठी? हेलो।
ये सब चुप के क्या देख रही हैं? आइए, सरकार ने बुलाया। जी जी नहीं, मेरे कपड़े ठीक नहीं है। क्या आपको क्वीन विक्टोरिया के बॉल में जाना है? चलिए। जी मैं जानती हूँ सरकार ने नहीं बुलाया। कह रहा हूँ ना, चलिए। छोड़ दीजिए, मैं खुद चलूंगी। छोड़िए ना। इनसे मिलिए, सरकार की जनरल असिस्टेंट मिसेस रेड्डी, मिसेस बख्शी, और ये हैं रेहाना। आदाब। रेहाना, अहमद शहाब, शशि वकील। जी। आप शायद यहाँ नहीं रहती? ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए। पिछली बार जब मैं यहाँ आई थी तब आपका निशान भी नहीं था। जी मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी। मुझे कुछ खास पसंद नहीं। तांडेली जैसी खूबसूरत जगह आपको पसंद नहीं? यहाँ पसंद आने जैसी क्या बात है? ये खामोश पहाड़ियाँ, ये वादियाँ, देखते देखते तंग सी आ गई हूँ। हाँ, वादियाँ गहरी होती हैं, सबसे नहीं बोलती। क्यों ना हम मिलते रहे, फुर्सत में पहाड़ों की ट्रैकिंग भी की जा सकती है। पहाड़ों पर दौड़ना भागना मुझे पागलपन लगता है। I'm sorry, excuse me. सरकार, आप कहाँ चली गई थी? हजर नवाब आपको ढूंढ रहे थे। धारवाड़। एमएनबीपी, मुंशी साहब देर से आएंगे, उनके लिए खाना रखवा देना। जी अच्छा। और भाई आजम नवाब, ये कहने जो है वो फलील में आके हाथ से नहीं रखते मुझे। अच्छा, मेरा ख्याल सरकार ने कोई नया कुक रखा है। अच्छा जी, भाई बहुत लजीज खाने बनाए उसने। एक काम कीजिएगा, हैदराबाद जाते वक्त अपने उसको को यहीं छोड़ जाइए, आप आज ले जाइए। अच्छा, अरे भाई वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। लीजिए ना। क्या साहब, आप तो मैं बहुत बहुत पहले ले लिया मैंने। कोई उम्मीद? अच्छा बनाया जी। बूटी बूटी में चलो। हर दिल को सुनाते हैं फरमान, फरमान मोहब्बत का।